हेलो दोस्तों, मैं स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि अपने वादे के मुताबिक मैंने आपसे बोला था कि ठीक है, आज दिन बुधवार है और बुधवार को जो हम आज क्वेश्चन लगेंगे ना, वो भूगोल के लगेंगे भाई। भूगोल में बता दूं क्वेश्चन में, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे, वही अपना, ठीक है, 15 क्वेश्चन में आंसर बताऊंगा बाद में, ठीक है। कमेंट में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने सही हुए और कितने कितने याद थे, कितने याद नहीं थे, और लास्ट के 5 क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देने हैं भी, ठीक है। जितने बाद के लास्ट में जो आपके जो भी 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो देर ना किए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। भूगोल के क्वेश्चन, और भूगोल में भारत के भूगोल से होंगे और विश्व के भूगोल से होंगे, यानी हाफ हाफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो भी करते। तो ज्योग्राफी में दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारत का विश्व में का बड़ा देश है। इसका मतलब यहाँ हमसे यह कुछ पूछना चाहता है कि भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ऑप्शन है, पांचवा है, छठा है, सातवां है या आठवां है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा भी सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है ना, 23 डिग्री उत्तरी, ठीक है। कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो पहले कैसे कैसे इसमें। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन उड़ीसा है, दूसरा बिहार है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा झारखंड है। इसका मतलब आपको पता है कि ना तो उड़ीसा से गुजरती है अभी, ना ही बिहार से, ना ही उत्तर प्रदेश से, गुजरती है सिर्फ झारखंड से, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने लिखवा भी रखा आपको कर्काट, ठीक है, कर्काट रेखा, ठीक है भाई। और देखो क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य से गुजरती है, ठीक है, बाकी 3 से नहीं गुजरती है, डी से गुजरती है। चलो भी अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है। इसका मतलब है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के बीच कितने घंटे का अंतर है। ये मैंने करा रखा भी क्वेश्चन आपको, ठीक है। आपको याद है कि ये 2 घंटे का अंतर है, दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है, ठीक है भाई। वो डिग्री के हिसाब होता है, वो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है, क्लास में भी एक बार। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, ठीक है भाई। इसका मतलब ऑप्शन देखो पहले, कोंकण का तट बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो इधर है पूर्वी साइड, उत्तरी सरकार ये उड़ीसा से ऊपर है, मालबार केरल के तट को कहते हैं, तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन भाई, मेरी मजबूरी है, यही ऑप्शन होगा इसका। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा कोरमंडल का तट, ठीक है, कोरमंडल का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है का सर्वोच्च बिंदु यानी सैडलर पीक कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है अभी, मध्य अंडमान में है, लघु अंडमान में है, या फिर बड़े अंडमान में है, या फिर उत्तरी अंडमान में है। तो इसका जो आंसर होगा डियर, ये होगा उत्तरी अंडमान में, ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से ये, चलो 6 को लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है भी, बहुत ज़रूरी। हमें पता है कि भारतीय कृषि को संदेश भारत की कृषि के जीडीपी में क्या प्रतिशत है। हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब ये कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि का जो भारत की जीडीपी है, यानी भारत की जो जीडीपी है, भारत की टोटल जो इनकम होती है ना, एक वर्ष में जो इनकम होती है उसकी बात कर रहा है ये। तो ये पूछना, वह 3 सेक्टर होते हैं उसमें, ठीक है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। पहला सेक्टर आपका कृषि का हो गया, दूसरा सेक्टर जो हो गया वो आपका हो गया विनिर्माण यानी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, और तीसरा जो सेक्टर होगा वो आपका होगा सर्विस का, ठीक है। तो यहाँ तीनों से मिलकर जीडीपी बनती है हमारी,
ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कृषि का कितना होता है, ठीक है। कृषि के बारे में पूछा है, तो भी इसमें जो आएगा वो आएगा लगभग आपका 18%, ठीक है, 18% इसका आंसर होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना। इस कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में भारत की जीडीपी में जो कृषि का योगदान होता है वह 18% होता है, और बता भी दूं यह हर साल बदलता रहता है अभी, ठीक है। लेकिन मैंने अप्रोक्स 18 लिख दिया इसमें, तो अप्रोक्स 18-19 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि से ही है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, ठीक है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ गेहूं की खेती नाममात्र को होती है। बहुत बढ़िया भाई, इसका मतलब है कि दो क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गए। देश में सबसे ऊपर जो है ना कृषि में, वो कौन सा है, वो यूपी अभी सबसे ऊपर, और भैया प्रति हेक्टेयर में भैया पंजाब है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जहाँ नाम मात्र को खेती होती है, ठीक है, तो सिर्फ भाई ऐसा एक तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु में सिर्फ नाम मात्र को खेती होती है। अब सबसे कम जो है तमिलनाडु में होती है, कहने का मतलब ये है। आगे हो गया समझ में, आगे ले लूँ क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन है 8, किसी भी देश की जन्मदर को कैसे परिभाषित किया जाता है। किसी भी देश की जन्मदर को कैसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि एक वर्ष में प्रति 1,000 पर जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 100 पर जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति मृत्यु की संख्या, एक वर्ष में प्रति मृत्यु की संख्या, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा भाई वो होगा एक वर्ष में प्रति जन्मों की संख्या, ठीक है, एक वर्ष में ऐसे किसी भी देश की जन्मदर निकाली जा सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 है, ये और हमको मिल गया 382 है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। देख लो क्वेश्चन में आंसर क्लियर हो रहे हैं। अब बताइए कि जनसंख्या गलत नहीं, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है, ठीक है। चलो भी लेते हैं, प्रति वर्ग मील में व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग मील में, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति की संख्या, या प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये है इसका आंसर भाई, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, उससे मापते हैं जनसंख्या, यानी डेंसिटी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। हमें पता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी वह लगभग इतने किलोमीटर है भाई। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, यानी क्वेश्चन कहाँ से है, मैं बता दूँ क्वेश्चन वर्ल्ड की ज्योग्राफी से है, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से भी में भी वो आपका ब्रह्मांड से है, सौरमंडल से है। तो देखते हैं अभी, डॉग तारा, सीरस तारा, ध्रुव तारा या सूर्य तारा। तो पृथ्वी के निकट तो भैया सबसे जो पहला तारा है वो सूर्य ही तारा है। अच्छा याद रखना भी, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, जी हाँ, जैसे ध्रुव तारा हो गया, डॉग तारा हो गया, सारे सूर्य भी एक तारा है, और पूछा भी जाता है। और आपको पता है किसी भी तारे का प्रकाश उसके किस पे मापा जाता है, प्रकाश से ही उसका टेम्परेचर का पता लगा जाता है भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार नीचे दिए गए ग्रहों का कौन सा क्रम सही है, ग्रह का कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तो हो ही नहीं सकती, हाँ बुध हो, और दूसरे नंबर पृथ्वी हो नहीं सकती भाई, ठीक है। इसका मतलब इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्योंकि तो तीसरे नंबर पर है ना भाई, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इसका बना डी। चलो भी क्वेश्चन लेते हैं अब 12।
ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ठीक है, तो मैं बता दूं, ना तो सोना होगा, ना हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, मतलब बचे दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आप ऑक्सीजन लगाओगे पक्का, लेकिन वो गलत होगा। तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम। ठीक है, इसका मतलब हा ही, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका जो आंसर होगा हाइड्रोजन होगा। क्या है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? वो है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर है हीलियम। ठीक है भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो कि पृथ्वी से टकराने वाली प्राबैंगनी किरणों का अपक्षय किसके कारण होता है? जो प्राबैंगनी किरणें हैं उनको कौन अवशोषित करता है? तो कई बार पढ़ रखा है आपने, ओजोन गैस, मतलब ओजोन गैस आपने सुना होगा ना, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, जी हाँ, वो जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ओजोन को पता ही है आपने, कौन से मंडल में पाई जाती है? पढ़ा बता ही देना मैंने, तीन मंडल, कितने मंडल होते हैं? पहला मंडल हो गया क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर आपका समताप मंडल, ऐसे ऊपर को जो मंडल होते हैं वो सारे, फिर बाहरी मंडल होता है, तो ये ना समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन। और 16 सितंबर को याद है क्या मनाते हैं भाई? भैया 16 सितंबर को नापते हैं ओजोन दिवस। अच्छा, ओजोन की मोटाई भी मापते हैं भाई, है ना, किससे मापते हैं ओजोन की मोटाई? डाबसन से, किससे? डाबसन से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं भाई, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं। क्षितिज मैं बता दूं, ये होती हैं ऊर्ध्वाकार रेखा और ये होती हैं क्षैतिज रेखा, ये होगी क्षैतिज रेखा। इसका मतलब मैं आपको दिखा दूं तो ये होगी पृथ्वी, यानी ये इन रेखाओं की बात कर रहा, इन रेखाओं की, ऐसे ऐसे ना, कोशिकों की बॉल पर जो होती हैं रेखा, तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं बताओ? ठीक है, ये डियर लैटीट्यूड होती है, लैटीट्यूड, लैटीट्यूड मतलब अक्षांश, लैटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और लॉन्गीट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा भी वो बनेगा अक्षांश, ठीक है, आंसर ए बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भी, अगला क्वेश्चन है, बराबर अंतराल ऊपर से ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, मतलब जो भी मैप पर होती है ना, जो ग्लोब पर, वो रेखाएं जो आपको बराबर ऊंचाई के स्थानों को दिखाती हैं, जिनको बोलते हैं समोच्च रेखाएं। कौन सी? समोच्च रेखाएं। अच्छा, मैंने यहाँ कंटूर लिख रखा है इनका ना, इनको कंटूर रेखाएं भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अभी ऐसा हो सकता है कभी कभी भाई ना हो ऑप्शन में कंटूर मिल जाए, तो ज़रूरी थोड़ी है कंटूर लगा देंगे, ठीक है भाई। तो भाई ये हो गए 15 क्वेश्चन, ठीक है, अब बात करते हैं जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। लो जी, लास्ट की वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाए दें। पहला क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा भारत का पैमानिक समय तय करती है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है? लक्षद्वीप आपने सुना होगा, भारत के एक तो इधर अंडमान द्वीप, इधर लक्षद्वीप, यानी ये पूछ रहा आपसे लक्षद्वीप में द्वीपों की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? याद है ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, भारत इधर पश्चिमी, इधर पूर्वी घाट, उसका नाम है, पूरे का नाम है पश्चिमी घाट, पूरे का नाम है भी, ठीक है। और इसमें लिख रहा अगला क्वेश्चन, अभी भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाए जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है? बिल्कुल, यानी तटों, तटीय मिट्टी बोलते हैं उसको, मिट्टी मैंने पढ़ा रखी है भी, आपको बता भी रखा है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइड मिट्टी, ठीक है, और भी कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, बांगर, खादर। तो ये पूछ रहा है कि केवल भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके भी हमने अपनी दूसरी वीडियो ख़त्म की है, ठीक है, सबसे पहली वीडियो हमने देखी थी मंगलवार की, वो कौन सी थी भाई? मंगलवार की जो वीडियो थी, मंगलवार की वीडियो थी हमारी हिस्ट्री की भाई, ठीक है,
हिस्ट्री की। आज हमने जो वीडियो देखी है वो देखी है ज्योग्राफी की, ठीक है। और भाई जिन्होंने वीडियो पहले देखी है ना वो हिस्ट्री की, कुछ ही लोगों ने उसका आंसर दिए हैं बस, ठीक है। सभी को आंसर देने हैं भाई, ठीक है। उनके आंसर करते रहना भाई, आंसर करोगे जब तो पता लगेगा मुझे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, गूगल कर लिया करो, नहीं पता तो गूगल में देख लिया करो, गूगल देख के। लेकिन मुझे दे दिया करो कम से कम कमेंट, मुझे पता तो लगे कि भाई ऐसे ही छोड़ रहे हैं वो। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपके आंसर देने और इसके देने ही देने। तो ठीक है, मैं फिर बता दूँ भी एक बार आपको, चैनल का नाम आप जानते हो फैक्ट सिटी, फैक्ट सिटी चैनल का नाम है, ठीक है। जुड़े चैनल से इसके, अभी भाई इतने लॉकडाउन है, इतने तो ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, मजबूरी है, हम भी इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करते रहेंगे, वॉइस भी इम्प्रूव होंगे, हो सकता है फिर लाइव भी आऊँ, लाइव भी आके पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अभी जुड़िए और अपने सहयोगियों को जोड़िए इसमें, ठीक है। अभी धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, बाय बाय।